अगर कोई आपको आके बोले कि नदी से खून का पानी निकल रहा है तो स्वाभाविक है आप डर जाओगे। और सोचिए आप किसी स्विमिंग पूल में हो और अचानक पूरा पानी लाल हो गया तो सब लोग भाग के पानी से बाहर निकल आएंगे, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन जब बात हो अंटार्कटिका का तब चौंक जाना ही पड़ता है। आइए आज ऐसी ही घटना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को ऐसी एक जगह ले जाता हूँ जहाँ खून का एक नदी बहता है। हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका। नाम सुनते ही आपके मन में पहले ही आता है ठंडा और पूरा बर्फ ही बर्फ। हाँ, उस बर्फ में है खून का नदी जो बह रहा है, ब्लड फॉल्स यानी खून का धारा। सन 1911 तब अंटार्कटिका के बहुत सारे जगह का खोज ही नहीं हुआ था। कई सारे देश के साइंटिस्ट अंटार्कटिका के बहुत सारी ग्लेशियर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ऐसी एक साइंटिस्ट था सर ग्रिफिथ टेलर, जो एक अंटार्कटिक साइंटिस्ट था। ईस्ट अंटार्कटिका में एक साइंट एक्सपीडिशन के दौरान देखा एक जगह से खून का धारा बह रहा है, लेकिन इतना खून का नदी बह रहा था कि वो चौंक गए और इसकी जांच में लग गए। और देखा जाए तो जहाँ टेम्परेचर माइनस में है और पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ एक ऐसी धारा इतना ठंडा, अगर कोई जानवर मर भी गया तो इतना खून नहीं निकलेगा। और उसके बाद रिसर्च करके निकाला उस ग्लेशियर के नीचे पानी है और उसमें शैवाल है, जिसका कारण बाहर लाल रंग का पानी निकल रहा है। और उसके बाद उस ग्लेशियर का नाम हो गया सर ग्रिफिथ टेलर के नाम से, टेलर ग्लेशियर। सालों साल उसके ऊपर रिसर्च चल रहा था और 2017 में उस पानी के लाल रंग का एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने दे दिया। एरिन पेटिट, जो एक अमेरिकन ग्लेशियोलॉजिस्ट है, और उनका रिसर्च टीम और यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का ने इसका असली कारण आविष्कार किया है। आइए जानते हैं। साइंटिस्ट का मानना है इस पानी का उत्स एक खरा पानी का झील है जो 50 लाख साल से टेलर ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। साइंटिस्टों ने रेडियो इको साउंड प्रक्रिया की हेल्प से यह आविष्कार किया। रेडियो इको साउंड, इस प्रक्रिया में ग्लेशियर के नीचे इलेक्ट्रिक वेव भेजा जाता है और उससे जो सिग्नल मिलता है उसके ऊपर साइंटिस्टों ने यह प्रमाण किया है कि ग्लेशियर के नीचे एक विशाल खरे पानी का झील मौजूद है। अभी सवाल है एक ग्लेशियर के नीचे पानी, आइए जानते हैं। इस झील में पानी बर्फ होने से पहले गर्मी छोड़ता है और उसी गर्मी पानी को जमने नहीं देता और उसके लिए माइनस टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रह जाता है। तो जब एक हरा पानी जिनमें आयरन मिला हुआ है जब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है तो लाल होता है, उसके लिए ही टेलर ग्लेशियर में लाल पानी निकल रहा है। और उस पानी का एग्जामिन करके भी देखा गया है कि जिस खारे पानी के भीतर कई विरल प्राणी और बैक्टीरिया है, बर्फ के नीचे ऑक्सीजन ना होने के बाद भी प्राण का मिलना बहुत ही आश्चर्यकर है। टेनेसी यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिल मिकुकी का दावा है इस पानी का निरीक्षण और करने से इनमें सालों साल पहले की इकोसिस्टम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसके ऊपर ही रिसर्च चल रहा है अंटार्कटिका में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग लाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके पास बहुत जल्द, और तब तक के लिए अपने फैमिली के साथ स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।